नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं बहुत खास, बहुत तेज चैनल के एक एंकर की, जिनका नाम है सुधीर चौधरी। सुबह से आज वो ट्रेंड कर रहे हैं और ट्रेंड में क्या हैशटैग चल रहा है, अरेस्ट सुधीर चौधरी, यानी कि सुधीर चौधरी को गिरफ्तार किया जाए। अब आखिर गोदी मीडिया के इतने जाने माने और नामचीन ये एंकर हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया है? इन्होंने कार्यक्रम किया जिस दिन हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिस दिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, तो बहुत एक्साइटमेंट में आकर उन्होंने रिपोर्टर से जब सवाल कर रहे थे, तो रिपोर्टर से सवाल करने के पहले उन्होंने एक ऐसी भूमिका बनाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इनकी जो आय है वो करीब 3.25 लाख रुपए महीने की है, यानी कि सालाना 36 लाख रुपए की इनकी आय होनी चाहिए, लेकिन 36 लाख रुपए तो केवल अभी ईडी ने बरामद कर दिए, यानी कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। अब क्योंकि वो गिरफ्तार हो गए हैं, इसलिए अब वो कहां से महंगी गाड़ी में बैठेंगे, कहां से महंगे हवाई जहाज में चलेंगे, इस तरीके की टिप्पणी सुधीर चौधरी ने की थी। यहां तक कि सुधीर चौधरी ये भी बाज नहीं आए, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने साथ में ये बोला कि अब क्या होगा, अब जब वो जेल में जाएंगे तो उनको जो 40 से 50 साल पहले का जो जंगल में जो लोग रहते हैं उस तरीके का जीवन यापन करना पड़ेगा। अब ये टिप्पणी आप देखिए, ये कोई एक एंकर की टिप्पणी हो सकती है? सबसे तेज चैनल, गोदी मीडिया का चैनल, अगर इस तरीके का एक नामचीन एंकर इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका माइंडसेट क्या है वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आखिर सुधीर चौधरी ने आदिवासियों के खिलाफ ये बात क्यों कही? अगर हमें और आपको ये बात बुरी लग सकती है, तो आप ये सोच सकते हैं कि झारखंड, जो कि आदिवासियों का एक बहुल्य इलाका है, जहां पर काफी आदिवासी भारी मात्रा में रहते हैं, तो उनकी भावनाएं क्या ठेस नहीं हुई है? आज जो सवाल है कि अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ कह दिया जाता है तो तुरंत ही कहा जाता है कि देखिए, जो ओबीसी समुदाय है उसकी भावना को ठेस लग गई। अभी हाल में उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने जाट समुदाय को लेकर कहा था कि देखिए, जाट समुदाय की भावना आहत हो गई। तो आज आदिवासियों की भावनाएं आहत हुई है, इस वजह से एक FIR सुधीर चौधरी के खिलाफ दर्ज हुई है। मैं अपने कॉलीग से कहूंगी कि उस FIR की कॉपी को प्ले करें और उस FIR को अजित लकड़ा, जो कि आदिवासी सेना के लीडर है, उन्होंने ये FIR दर्ज की है। SC ST एक्ट के तहत सुधीर चौधरी के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है, और जब से ये केस दर्ज हुआ है तब से ये हैशटैग चल रहा है कि अरेस्ट सुधीर चौधरी, यानी कि सुधीर चौधरी को गिरफ्तार किया जाए। और बहुत ज्यादा ट्विटर पर इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और जैसे कि आपको मिसाल के तौर पर सुप्रिया शिनेट का आपको ट्वीट दिखाते हैं। सुप्रिया शिनेट ने इस पर लिखा है कि 20-30-40 साल पहले की तरह आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं, यह मीडिया के एक एंकर ने एक प्रदेश के CM के लिए कहा, क्योंकि वो आदिवासी है। यह वही सोच है जिसको लगता है कि यह देश एक वर्ग की बपौती है और दलित, पिछड़े, आदिवासी इनसे कमतर हैं, जिन्हें जंगलों में रहना चाहिए। ये सुप्रिया शिनेट की का ट्वीट है। उसी तरीके से काफी सारे लोगों ने सुधीर चौधरी की मानसिकता पर बात किया है कि ये इस तरीके के जो पत्रकार, और अगर इस तरीके की मानसिकता लेकर आते हैं तो फिर समाज का क्या होगा? इतनी समाज में नफरत, इतना समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने की आज क्या उन्होंने सुपारी ले रखी है एक तरीके से, क्योंकि इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये तो सत्ता की गोद में बैठे हुए एंकर है, और इसीलिए बार बार गोदी मीडिया का नाम सामने आता है। प्रशांत टंडन, जो कि जाने माने पत्रकार है, उन्होंने भी देखिए एक ट्वीट किया है और लिखा है कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन 1980 के दशक में लगातार संसद सदस्य हैं, केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हेमंत सोरेन खुद भी विधायक, नेता प्रतिपक्ष, सांसद और मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बावजूद अरुण पुरी के चैनल पर सुधीर चौधरी कहेगा कि जंगल में रहते थे, आदिवासी समाज की अपनी सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो महंगी गाड़ी में नहीं चल सकते। मोदी समर्थक मीडिया में मनुवाद की जड़ें गहरी हैं, दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। यहां पर यानी कि सुधीर चौधरी नहीं बल्कि अरुण पुरी की भी गिरफ्तारी को लेकर मांग की जा रही है। तमाम तरीके की जो इस समय प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ लोगों ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कि आखिर सुधीर चौधरी से लोगों ने सवाल किया है कि आदिवासी क्या अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, क्या आदिवासी अच्छे प्लेन में नहीं बैठ सकते,
आदिवासी के पास क्या कैश नहीं हो सकता है, तो इस तमाम तरीके की टिप्पणी आ रही है। और बाद में ये लिखा गया है कि सुधीर चौधरी ने देश के 12 करोड़ आदिवासियों को नीचा दिखाया है, इस वजह से इनको अब जेल जाना होगा। जेल तो हो सकता है कि इनको हो भी जाए, क्योंकि SC ST एक्ट के तहत पूरा ये केस दर्ज हुआ है। और क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको बचाएंगे, क्या गृह मंत्री अमित शाह इनको बचाने आएंगे? लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब इस तरीके के सवाल और इस तरीके की मानसिकता होती है, तो प्रधानमंत्री से भी ये सवाल है कि अगर वो 10 लाख का सूट पहन सकते हैं, महंगे हवाई जहाज में चल सकते हैं, तो क्या एक आदिवासी मुख्यमंत्री क्या गाड़ियों में बैठने के लिए क्या वो हकदार नहीं है? आज इसी से पर हम चर्चा करेंगे। जो ये मानसिकता है आज, जो ट्विटर पर गिरफ्तार करो सुधीर चौधरी को ये आज ट्रेंड कर रहा है, आज इसी मानसिकता के पीछे क्या चीज छुपी हुई है, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, जो कि प्रणाम इंडिया के एडिटर इन चीफ है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार है, जो कि एक कल्चरल एक्टिविस्ट है, झारखंड से आते हैं, और जो जो वहां की जो कल्चरल आइडेंटिटी है झारखंड की, और ट्राइबल्स के मामले में बहुत ज्यादा बहुत क्लोजली सोचते हैं, समझते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड से। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ दीपक कबीर हैं, जो कि एक जाने माने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में प्रेम कुमार से शुरू करती हूँ, क्योंकि ये एक पत्रकार का मामला है, एक एंकर का मामला है। तो ये जो इस तरीके की मानसिकता, आज मैं आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि आखिर सुधीर चौधरी ने ये टिप्पणी क्यों की? प्रेम जी, जी नीलू जी, ये टिप्पणी फौरी तौर पर उनकी मानसिकता को दर्शाता है। आदिवासियों के प्रति जो देश के एक हिस्से में वनवासी मानने की जो परंपरा है कि हम उनको वनवासी मानेंगे, उस सोच को दर्शाता है। तो वनवासी, जंगल में रहने वाले लोग क्या इंसान नहीं है, जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे? यानी जो एक पर्यावरण जो इम्पोर्टेंट होता है इंसान के लिए, उसके लिए जिनका पूरा ध्येय रहा है, पूरा आंदोलन रहा है, झारखंड आंदोलन जल जंगल जमीन की लड़ाई है, और उस लड़ाई को लंबे समय से लड़ा जाता रहा है। जो समुदाय, जिस समुदाय ने देश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की, भाई जब बिरसा मुंडा लड़ रहे थे, सिद्धू कानू लड़ रहे थे, वो जमाना, उस समय हमारा वो 1857 से क्रांति शुरू नहीं हुई जो हम कह दी जाती है, ये लड़ाई पहले से चली है, और उस लड़ाई को आदिवासियों ने लड़ा है। और जिस हेमंत सोरेन के पर टिप्पणी कर रहे हैं, हेमंत सोरेन के पिताजी, भाई उस जमाने में सत्ता से लुहा लेते थे जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, किसी, ये समझिए कि उनके ऊपर सूट एंड साइट का ऑर्डर निकला हुआ होता था। उस जमाने में शिबू सोरेन लड़ाई लड़ा करते थे, और वो लड़ाई गाड़ियों पर चल करके करोड़ों रुपए के थाट बाट के साथ में नहीं लड़ी गई। आज भी चाय वाला हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 8,000 करोड़ के गाड़ी में, हवाई जहाज में घूमते हैं, वो उसको सही बताने वाले लोग हैं, वो सही है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी है, और उनके यहाँ कोई BMW कार मिल गई जो उनकी है भी नहीं, और उनकी बता करके ये बताना कि ये इनके पास BMW कार कैसे आ गई, ये एक अद्भुत बात है, एक ऐसी बात है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। भाई 36 लाख रुपए हेमंत सोरेन के घर में बरामदगी बताई गई, लेकिन क्या हेमंत सोरेन कह रहे हैं हमारा वो पैसा नहीं है, लेकिन ये जबरन बोल रहे हैं कि आपका है, और बताते हैं कि आपको जंगल में चले जाना चाहिए। आप तंज कसते हैं कि आप बिना पैसों के, बिना ठाट बाट के जेल में कैसे रहेंगे? अरे जेल में इस देश के अधिसंख्य जो 80% लोग हैं, वो दलित, पीड़ित, वंचित, मुस्लिम, ये तबके के लोग हैं। जो सुधीर चौधरी जिस क्लास से आते हैं, उस तबके के लोग को जेल नहीं होती, वो जेल से निकल भागने का रास्ता उनके पास होता है। ये फर्क है। इल्जाम यही लगाएंगे, SC ST एक्ट क्या है? SC ST एक्ट ऐसे ही मानसिकता से बचाव के लिए बना है कि इस
क्रूर मानसिकता से एससी और एसटी के लोगों का बचाव कैसे किया जाए, इसलिए एससी एसटी एक्ट है। और निश्चित रूप से एससी एसटी एक्ट का उपयोग का दुरुपयोग ईडी के अधिकारियों ने भी किया, जो हेमंत सोरेन ने केस दर्ज किया कि इसी मानसिकता के साथ कि भाई हेमंत सोरेन के खिलाफ में आप कैसे भी इसको फंसाओ, कैसे भी इसको जेल भेजो, जो मानसिकता ईडी के अफसरों की थी वही मानसिकता ये पत्रकार महोदय की है, सुदीप चौधरी की है। मुझे हालांकि शर्म आती है कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूं, और लेकिन मैंने उस संस्थान में भी काम की है जब ये वो जिस संस्थान में थे दोनों के मालिकान में दुश्मनी हुआ करती थी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खबरें चलाते थे, और ये तो सीसीटीवी में पैसा लेते हुए, पैसे करोड़ों रुपए के लेन देन की बात करते हुए पकड़े गए थे। ये किस नैतिकता से हेमंत सोरेन पर सवाल उठाने की जरूरत कर सकते हैं? ये आदिवासी समाज का अपमान है, ये पूरे पूरे देश में आदिवासियों के प्रति जो दुर्भावना रखने वाले लोग हैं उसका डोमिनेंस को बता रहा है, और ये आदिवासी समाज को ये बर्दाश्त नहीं होगा। नीलू जी, झारखंड की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। जी ठीक है, अब मैं शैलेंद्र कुमार के पास आती हूँ कि शैलेंद्र जी, ये तो बात पत्रकार और उनके मानसिकता की रही, लेकिन सुधीर चौधरी ने जो कुछ ऑन एयर कहा है उसको लेकर जो झारखंड का जो आदिवासी समाज है वो इस प्रतिक्रिया को कैसे ले रहा है? क्योंकि मैं कई जगह इस चीज को लेकर पढ़ रही हूँ कि अब आदिवासियों ने ये कहा है कि अगर अगले 24 घंटे में सुधीर चौधरी गिरफ्तार नहीं हुए तो देश भर में आदिवासी समाज आंदोलन करेगा। क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? जी शैली जी, मैं इसमें दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि सुधीर चौधरी कोई आइसोलेटेड फेनोमेना नहीं है, सुधीर चौधरी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, और जिस तरीके से वो प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे, जनतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, सांप्रदायिकता और नफरत से भरी प्रतिक्रियाएं उनकी जो आती रही है, यही उनकी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी के अनुकूल उन्होंने इस प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। ये बेजाबता एक स्कूल है जिसके यहां से ये समझ निकलती है, और उस स्कूल ऑफ थॉट मुजाहिरा ऐसे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा कर चुके हैं जब वो कहते हैं कि क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मणों की सेवा के लिए शूद्रों का जन्म हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं कि दलित आदिवासी स्त्रियां और फांसी पे जो मार्जिनलाइज लोग हैं उनके बारे में इनकी क्या समझ है। तो उसी समझ की अभिव्यक्ति सुधीर चौधरी ने की है, क्योंकि उनकी आकाओं की समझ ऐसी ही है, इसीलिए अपने आकाओं की इच्छा तुष्टि के लिए एक आदमी झुक जिस तरीके से पत्रकारिता के मानक और मूल्यों को ध्वस्त कर सकता है, उसका बर्निंग एग्जाम्पल सुधीर चौधरी है, और इसके खिलाफ स्वाभाविक है कि आदिवासियों के अंदर प्रतिक्रिया होगी और प्रतिक्रिया होनी भी चाहिए। और ये हेमंत सोरेन पर टिप्पणी नहीं है, ये आदिवासियों के वेल बीइंगनेस के खिलाफ, उनके अच्छे से रहने, उनके अच्छे से खाने, उनके अच्छे से पहनने की के प्रति जो है एक एटिज्म की जो ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या की अभिव्यक्ति है। मतलब कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है जिसको हम भारत का ख्याल कहते हैं, उस भारत के ख्याल में सुधीर चौधरी का जो भारत है उसमें आदिवासियों के लिए जगह नहीं है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के भारत में भी आदिवासियों, दलितों और स्त्रियों के लिए जगह बहुत कम है, इसीलिए कि जब झारखंड का आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी जो है वो वनांचल मांग रही थी, झारखंड नहीं मांग रही थी। तो ये वनवासी जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया कि वो वनवासी समझते थे, तो वो समझ तो उनके कल्चरल आइडेंटिटी का एक्सेप्टेंस बाई स्कूल जैसे उनके कहा नहीं था। और आप देख लीजिए कि बंच ऑफ थॉट्स से लेकर तमाम तरह की जो विचारधारात्मक जैसे उनकी जी आपकी आवाज जी। थोड़ा सा कट गई है जी। मैं जब तक दीपक के पास जाती हूँ, शैलेंद्र जी को देखेंगे अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं। दीपक, क्या ऐसा लग रहा है कि सुधीर चौधरी ने क्या विपक्ष के ऊपर, हाँ शैलेंद्र जी आ गए, मैं एक बार शैलेंद्र जी के पास जाती हूँ फिर आपके पास आऊंगी। जी शैलेंद्र जी, आपकी आवाज गायब हो गई थी बीच में। हाँ बोली बोली जी। तो मैं यही कह रहा था कि ये लोग जो है सो बजाबता हिंदुस्तान का जो पूरा विचार है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गर्भ से जो मूल्य निकले, उन मूल्यों की सांद्रित अभिव्यक्ति जैसे हिंदुस्तान का संविधान है, और भारत के अलग अलग किस्म के ख्याल इस देश के अंदर मौजूद रहे हैं। एक भारत विवेकानंद के सपने में है, एक भारत जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के सपने में है, गांधी और नेहरू के सपने में है, एक भारत जैसे गोलवरकर के सपने में है, एक भारत गोडसे के सपने में है। तो चूंकि सुधीर चौधरी गोलवरकर और गोडसे के स्कूल की परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी की दलाली में आजकल लगे हुए हैं, इसीलिए उसका जो लॉजिकल एंड है
वो ऐसे ही घृणा और विश्व मन में हो सकता था। सुधीर चौधरी ने कुछ नया नहीं किया है, बंच ऑफ थॉट्स आप पढ़ जाइए, तो ये मनुवाद की जो पूरी पूरा उत्स है, इसी मनुवाद ने जैसे गांधी की भी हत्या की थी तो वो उस स्कूल से आते हैं। इसलिए सुधीर चौधरी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना तो हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कानून का राज बाकी है और कानून अगर कार्रवाई करने में सक्षम है तो हिंदुस्तान के बहुसंख्यक आदिवासियों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए और उनके एंगर का सम्मान करते हुए, उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए इमीडिएट जैसे उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि चूंकि ये केस झारखंड के अंदर दर्ज हुआ है और झारखंड के अंदर जो अभी सरकार बनी है वो सरकार जैसे मोदी के दबाव से मुक्त है, इसीलिए बतौर सरकार जब वो जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए आसाम से जैसे पुलिस भेज सकते हैं, जिग्नेश मेवानी को गुजरात से जब वो उठा के ला सकते हैं, तो दिल्ली से जैसे सुधीर चौधरी को भी उठा के ले जाया जा सकता है। तो इस इच्छा शक्ति का प्रदर्शन इंडिया गठबंधन की सरकार को झारखंड के अंदर करना चाहिए ताकि इस देश के अंदर एक कड़ा मैसेज जाए कि हिंदुस्तान के अंदर जो संवैधानिक प्रक्रिया अभी भी मौजूद है और उस संविधान के इतर जाके जो तमाम तरह के वक्तव्य और बयान दिए जा रहे हैं, ये बयान नफरत, हिंसा, दंभ और वर्चस्व की अभिव्यक्ति का सबसे बढ़िया और ताजा तरीन एग्जाम्पल है। इसीलिए इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी व्यक्तिगत समझ यही है। और आदिवासी समाज के अंदर इसकी तीखी प्रतिक्रिया है और आदिवासी जब लड़ने पर उतरते हैं तो वो जितने शांत हैं, जितने नम्र हैं और जितना जैसे प्रकृति के साथ उनका तादात्म है, जब वो लड़ने पर उतरते हैं तो बहुत मजबूती से लड़ते हैं। और ये लड़ाई इतिहास ने आदिवासियों की देखी है, तिलका मांझी के रूप में, फूलो झानो के रूप में, चांद भैरव के रूप में। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग देख लीजिए कि ये केस एक ऐसे समय में रजिस्टर हुआ है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। और जो बात अभी शैलेन जी कह रहे थे, शैलेन जी ने कहा कि देखिए जिस तरीके से रातों रात पुलिस दूसरे राज्यों में लोगों को उठाकर ले गई है, तो अब हेमंत सोरेन के राज्य में यानी कि चंपाई सोरेन ने जहां पर शपथ ग्रहण कर ली है, अब वहां की पुलिस भी अब सुधीर चौधरी को उठाकर ऐसा लगता है कि ले जाएगी। क्या एक अजीब सी आ बैल मुझे मार वाली स्थिति आज सुधीर चौधरी ने खुद अपने लिए कर ली है। और टाइमिंग की बात एक बार फिर से करूंगी कि जो टाइमिंग और पर जब ये इस तरीके का एक केस इनके खिलाफ रजिस्टर हुआ है, तो क्या अब सुधीर चौधरी एक मोहरा बन जाएंगे बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस की पूरी राजनीति का? जी आप म्यूटेड है, आप म्यूटेड है, आपकी आवाज नहीं आ रही है दीपक, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है ना, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आप फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करिए, रिकनेक्ट करने की कोशिश करिए ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं जब तक प्रेम जी के पास जाती हूँ, आप फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करिए कि प्रेम जी, जो पूरी टाइमिंग को लेकर जो इस समय विवाद है कि एक ऐसे समय में आ बैल मुझे मार वाली स्थिति आज एक खुद सुधीर चौधरी ने अपने लिए क्रिएट किया है, क्या ये एक बड़े प्रॉब्लम में ये तब्दील हो सकता है सुधीर चौधरी के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि क्योंकि इसमें आदिवासियों का वोट बैंक है, आदिवासियों की भावनाएं हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी अब सुधीर चौधरी को चाहते हुए भी नहीं बचा सकते अगर उनको गिरफ्तार करने आएगी झारखंड की पुलिस? जी ऐसा मान के मत चलिए नीलू व्यास जी कि हमने देखा है कि जब पंजाब से पुलिस आती है, दिल्ली से एक भारतीय जनता पार्टी के वो बंगा, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको ले जाने की कोशिश करती है, तो दिल्ली से तो ले जाती है लेकिन बीच में भाजपा शासित प्रदेश हरियाणा बचता है, पड़ता है, वहां पर वो नहीं जाने देते हैं और वापस पंजाब की ही पुलिस को परेशान करते हैं। तो ये हमने देखा है। तो आसान नहीं है कि सुधीर चौधरी को झारखंड तक ले जाना दिल्ली से, क्योंकि उनके वो सत्ता के साथ है और सत्ता उनके साथ है, और वो उनको जो शह मिला हुआ है, वो जो बोल रहे हैं और आदतन ऑफेंडर है, सही कहा है शैलेंद्र कुमार जी ने कि वो आदतन ऑफेंडर है, वो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग जैसा शब्द रचते हैं, कभी एक पूरे जो पूरी जमात जो है बुद्धिजीवी को बताते हैं कि वो एक तरह का मॉडल है, एक तरह का नए नए शब्द ईजाद करते हैं, तो अवार्ड वापसी गैंग भी उनका ही दिया हुआ वर्ड है। तो ये एक तरह से सत्ता की जरूरतों को पूरा करने के लिए बौद्धिक स्तर पर
जो कुकर्म होता है उसके वो नेता है, तो इनके प्रोटेक्शन में सरकार खड़ी मिलेगी, ये अकेले नहीं है। और आज तक जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म का ये दुरुपयोग हो रहा है, ये पत्रकारिता के लिए चिंता का विषय है। ये सिर्फ राजनेता और सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी और सिर्फ कानून के तहत ही इन पर एक्शन नहीं हो, क्योंकि कानून ने पत्रकारों को बहुत आजादी दी है, चौथा स्तंभ बता करके एक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए छोड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों को काफी कानून के तहत एक प्रोटेक्शन भी प्राप्त है कि हम बहुत कुछ सूत्रों के हवाले से कह लेते हैं जो कहना मुश्किल होता है। मगर ये प्रोटेक्शन ऐसा ना हो कि जो दलित और वंचित तबका है, जो आदिवासी समुदाय है, उनका उनके लिए जो कानून प्रोटेक्शन रखा हुआ है SC ST एक्ट, उस पर ये हावी हो जाए, यानी कानूनी प्रोटेक्शन पर गैर कानूनी प्रोटेक्शन हावी हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये इसकी जरूरत है। गैर कानूनी मैं पत्रकारीय नजरिए से नहीं कह रहा, गैर कानूनी मैं जो सत्ता का उनको समर्थन प्राप्त है उस नजरिए से कह रहा हूं। तो इसके हिसाब से देखा जाए, एक ऐसी स्थिति है कि हमें आदिवासी समुदाय के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए, चाहे केंद्र में सरकार हो, चाहे प्रदेश में सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो जहां सुधीर चौधरी रहते हैं, जहां दिल्ली जहां अस्थायी रूप से रहते हैं, और नोएडा जहां उत्तर प्रदेश में वो नौकरी करते हैं, ये सारी सरकारों का ये कर्तव्य बनता है कि आदिवासी समुदाय की रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए एक बार खड़े हो। आदिवासी आज राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को भी इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हमने देखा कि आदिवासी पर पेशाब किए जा रहे थे, तब भी हमारी राष्ट्रपति ने कुछ नहीं कहा था। हमने देखा कि राष्ट्रपति जी जब बजट पेश कर रही थी, उनका दर्द पहली पंक्ति में निकला जब उन्होंने कहा कि मैं पहली बार संसद को संबोधित कर रही हूं, तो दर्द दिखा, मगर फिर भी आदिवासियों के प्रति वाजिब चिंता दिखाने का जो वक्त होता है, टेस्टिंग टाइम, उस पर अब तक हमारी राष्ट्रपति खरा नहीं उतरी है। हमारी राष्ट्रपति झारखंड की गवर्नर भी रही है, हेमंत सोरेन को से नजदीकी भी रही है, वो जानती भी है, पूरे आदिवासी समुदाय को जानती है, उनकी भावना को समझती है, तो इस आदिवासी समुदाय के खिलाफ इस टिप्पणी के मर्म को भी वो जरूर समझ रही होंगी, इससे पैदा होने वाले दुख को भी जरूर समझ रही होंगी। तो हम यकीन मतलब विश्वास रखते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन क्या हो पाएगा कि आदिवासी राष्ट्रपति इस पर कुछ बोल पाए, ये एक बहुत बड़ा टेस्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल। अब राष्ट्रपति बोलेंगी या नहीं बोलेंगी ये तो पता नहीं है। जब महिला पहलवानों का भी जब मुद्दा उठा था तो उस समय भी ये बात हुई थी कि राष्ट्रपति को बोलना चाहिए, उन्होंने नहीं बोला। लेकिन मैं वापस मीडिया के डिबेट पर आना चाहती हूँ कि दीपक, अब मैं आपके पास आऊंगी कि मीडिया को लेकर आज सुरी चौधरी केवल एक उदाहरण है एक ऐसी मीडिया का जिसकी मानसिकता ही बिगड़ गई है, जो कि सत्ता की गोद में जाकर बैठ चुकी है और विपक्ष को हमेशा वो निशाने पर लाकर खड़ा कर देती है। अब इस गोदी मीडिया की मानसिकता पर क्या कहा जाए, सुधीर चौधरी तो केवल उसके एक सिम्टम है, लेकिन ये तो एक बड़ी बीमारी इस समय जो है समाज में, मीडिया खुद ही एक बीमारी बन चुका है, उसके एंकर्स बीमार हो गए हैं। सुधीर चौधरी जैसा मैंने कहा कि वो एक उदाहरण है इस मीडिया की मानसिकता पर कि किस तरीके से उसकी एक मानसिकता हो गई है कि अगर विपक्ष का नेता है तो उसको निशाने पर लाकर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि हमें सत्ता की आंखों में ब्राउनी पॉइंट्स कमाने हैं। तो इस मानसिकता पर बात करिए और आपका क्या कहना है जी। देखिए नीलू, आवाज आ रही है? हाँ, बोली 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 बोली। देखिए ये बिल्कुल साफ बात है, जहां तक मीडिया का रोल रहा है, मैं कहता हूं 2014 में जब सरकार बनी थी उसके अगले थी, उसी के सरकार बनने के तुरंत बाद रेलवे का किराया बढ़ाया गया था तुरंत, और उसके बाद जो उस समय का याद करिए 2013 के जो कैंपेन थे, ब्लैक एंड व्हाइट कैंपेन आए थे, उसमें से हर कैंपेन का बिल्कुल उल्टा किया गया। तो अगर मीडिया अपनी भूमिका किसी के फेवर किसी अगेंस्ट तो छोड़िए, एक बेसिक अगर नॉर्मल भी रखता, न्यूट्रल भी रखता, तो ये सरकार की तो धज्जियां उड़ जाती। एक मुद्दा बहुत है, इसके पास हजारों मुद्दे रहे, किसानों का मुद्दा रहा है जो देश बदलने के पर्याप्त। अभी हाल ही में BHU में जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोगों का रेप का पूरा केस था, इस तरह के सैकड़ों हजारों मुद्दे रहे हैं जो इस सरकार को गिराने के लिए पर्याप्त है। इसलिए मीडिया ने इस देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा धोखा दिया है, मैं तो कहता हूँ राजनेताओं से भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि राजनेताओं के चरित्र में तो हो सकता है कि सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी करें, लेकिन
मीडिया से ये उम्मीद नहीं थी, ये देश गणेश शंकर विद्यार्थी की परंपराओं का देश रहा है पत्रकारिता में। तो सुधीर चौधरी, और एक समय ऐसा था कि चलो थोड़े बहुत निगोशिएट होते थे, प्राइवेट मीडिया होता था, थोड़ा बहुत बैलेंस दोनों पक्ष की बात रखी जाती, पर मीडिया हेट कैंपेनर बन गया, और हेट कैंपेनर फैक्ट्स पे नहीं बना बल्कि झूठ। कठुआ का कांड आपको याद होगा, पूरा का पूरा कठुआ का कांड हुआ, हाथरस का कांड हुआ, इस तरह के सैकड़ों कांड में जिस तरीके से इवन कोविड टाइम में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, सब्जी वालों से लेकर जिहादी से लेकर जो घटियापन पैदा किया गया कि 2013-14 में जो भारत का समाज थोड़े बहुत बायस के साथ में न्यूट्रल था, आज वो एक तरीके से जॉम्बी बन चुका है। जो लोग पेंशन का फायदा उठा के, जो लोग पार्क में बैठ के जिनको ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, वो पूरा का पूरा बुजुर्ग कम्युनिटी सिर्फ नफरत के एजेंडे फैला रहे हैं और इतने झूठ फैल रहे हैं, मतलब इरेशनल नॉन साइंटिफिक एलिमेंट बिल्कुल भरपूर है। आप कुछ भी बोल दो, आप बोल दो कि, आप कह दो कि हल्दी घाटी ये हुआ नहीं था, आप कह दो कि उन्होंने इनकी गर्दन काटी थी, आप जो कह दो व्हाट्सएप पे सब चलेगा। और मैं तो डर रहा हूँ कि इतनी वेबसाइट से, किसी भी फर्जी वेबसाइट से कोई भी रिपोर्ट उठा के कोई भी चीज पैदा करी जा सकती है। तो मीडिया तो खतरनाक है। सुधीर चौधरी लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में थे। सुधीर चौधरी इंडिविजुअल अपनी क्रेडिबिलिटी पहले ही खो चुका था, वो उषा वाला कांड से था, वो उमा खुराना वाला कांड जो रहा था, या उसके बाद जो ब्लैकमेलिंग का कांड था। लेकिन शर्मनाक ये है कि इस देश की जनता जो आदिवासियों का अपमान किया, ये जो जिस सवर्ण मेंटेलिटी के तहत, जिस सत्ता की मेंटेलिटी के तहत किया गया है, और मैं डिबेट में भी लगातार शामिल हूँ कि आदिवासियों को पूरे देश में बोलना चाहिए, पूरे देश के आदिवासियों को एक होना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी आज़ादी के 75 साल हुए हैं, क्या अगर अपने अपने वर्गों के लिए ये देश लड़ रहा होता तो हमें आज़ादी मिलती? क्यों आदिवासियों की समस्या पर सिर्फ आदिवासी बोले, बाकी लोग अल्पसंख्यक क्यों ना बोलें, महिलाएं क्यों ना बोलें, सवर्ण क्यों ना बोलें आदिवासियों के मुद्दे पे? क्या आदिवासी उनके देश के नहीं है? आदिवासियों का अपमान या शेड्यूल कास्ट का अपमान या महिलाओं का अपमान या गरीबों का अपमान, क्या सबका मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? ये आपने इस देश के बेसिक लोगों के साथ जिस तरीके से किया है मीडिया ने, पर ये जनता, इवन राजा राम मोहन राय क्या महिला थे या दलित समुदाय के थे या माइनॉरिटी समुदाय के थे या विवेकानंद थे, पर वो लोग क्यों उन सबकी बातें कर रहे थे, क्यों लड़ाई की सबके लिए, सबके अधिकारों की बात कर रहे थे? तो मुझे लग रहा है कि आदिवासियों के उत्पीड़न, और आदिवासियों का सिर्फ ये तो गरिमा का सवाल हुआ है, उनसे जीवन छीन लिया गया है। लोग समझते हैं कि जो मुंबईया फिल्मों के अंदर उल्टे सीधे कपड़े और पत्ते लपेट के जिंगा लाला करने वाले आदिवासी आदिवासी वो होते हैं। आप आदिवासी नौजवानों की कविताएं पढ़िए, आप उनके जीवन के संघर्ष जानिए, उन्होंने किस तरह से प्रकृति को, जंगल को, जमीन को बचाने की लड़ाइयां लड़ी हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं। हम लोग जो अर्बन सवर्ण मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं। आज रामचंद्र का वो मनाया जा रहा है, हमने धनुर्धर के धनुष के रूप में रामचंद्र को जाना और उसके बाद अर्जुन को जाना। हम बिरसा मुंडा को नहीं जान पाए जो अभी 100 साल के अंदर पैदा हुए थे, हम लोग नहीं जानते। हम बिरसा मुंडा का नाम आप किसी भी सोशल अर्बन उस पर निकल जाइए यूनिवर्सिटीज में और पूछिए बिरसा मुंडा कौन था। 25 साल का नौजवान जो इतने बड़े आंदोलन को करके शहीद हो गया अंग्रेजों के खिलाफ, उसका नाम नहीं जानते। उसके धनुष से पूरी ब्रिटिश फौज थर्रा गई थी, उसको भगवान कहा जाता है बिरसा मुंडा को। तो हमारी नज़र में हमने जो अर्बन सवर्ण माइंडसेट है और जो नॉर्थ इंडिया है उसको पूरा देश समझ लिया है। इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा, ये देश सबका है और आदिवासियों का तो सबसे पहले है, आदिवासियों का नाम ही इसलिए कि आदिवासी हैं। तो आदिवासियों की गरिमा की लड़ाई हर कम्युनिटी को, हर पढ़े लिखे को, हर संवेदनशील मनुष्य को लड़नी चाहिए। और सुधीर चौधरी सिर्फ आदिवासियों के अपराधी नहीं है, ये पूरे देश के संविधान के अपराधी हैं, ये हमारे समानता के मूल्यों का अपराधी है। इसलिए एक FIR नहीं, इस पर कई FIR होनी चाहिए। और ये इसके हाथ में अगर माइक रहेगा, इसके पास अगर कैमरा रहेगा, तो आप समझ लीजिए कि हम जिस तरह से कोविड वायरस फैलता था उस तरह का वायरस समाज में फैला रहे हैं। तो ये सुधीर चौधरी या इस तरह के तमाम जर्नलिस्ट लोग, जर्नलिज्म नहीं है, जर्नलिज्म के नाम पे ये अपराध को और सत्ता के सारे बेलगाम तौर तरीकों को फैला रहे हैं। मुझे लगता है कि सत्ताएं भी कभी कभी इनसे पीछा छुड़ा लेंगी। इन्होंने इस समाज का जितना नुकसान किया है, उतना पॉलिटिकल एनिमी जो सत्ता पक्ष है, मोदी की सरकार रही हो या किसी की, उसने कभी नहीं किया। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा, मतलब बोल, उनसे लड़ा जा सकता, उनसे डेमोक्रेसी में लड़ा जा सकता था, पर इन्होंने तो
पूरे देश को डिवाइड करने में सबसे बड़ा रोल अदा किया है। ये एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है, ये गोयबल्स हैं, ये जर्मनी के गोयबल्स हैं, और गोयबल्स के पास भी कुछ उसूल भले रहे हो, पर इनके पास कोई उसूल नहीं है। इनके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, कोई रीढ़ नहीं है इनके पास कोई। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी जिस पत्रकारिता के सिंबल हैं, उस पूरी समूची पत्रकारिता हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के संविधान की सबसे बड़ी गुनहगार है। और सबक सिखाने की शुरुआत आदिवासी जनता ने FIR जरूर कराई है, पर हम सबको इनका बायकॉट करके इनके सारी चीजों को सामने ला के करनी चाहिए, लगातार करनी होगी। हालांकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, सत्ता का हमें साथ नहीं है, सत्ता हमारे खिलाफ जरूर FIR लिखाएगी भले सुधीर चौधरी को बचाए। तो मुश्किल वक्त है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन उसके बावजूद जितना भर सके बोलना चाहिए। और सुधीर चौधरी ने माफी ना मांग के इसमें घी डाला इस आग में, उसको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। मुझे हैरान कर रहा है, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। माफी तो पता नहीं, अक्सर वो ट्वीट कर देते थे, अभी तक मैंने उनका कोई ऐसा ट्वीट भी नजर नहीं आ रहा है, ना कोई उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। प्रेम जी, मैं देख रही थी कि अरेस्ट सुधीर चौधरी के जो रिपोस्ट हुए, लगभग 100,000 ट्वीट्स हुए हैं इसको लेकर, ट्वीट्स और रीट्वीट्स हुए हैं। अब अगर इस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, तो एक तो जो सवर्ण मानसिकता है आदिवासियों के खिलाफ, जो एक उन्होंने जो जहर उगला है उसको लेकर प्रतिक्रिया है, और दूसरा ये है कि वो किस तरीके से विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेते रहते हैं। तो ये जो पूरा एक सामूहिक गुस्सा दिख रहा है, उसके पीछे का आपको क्या लगता है कि मेजर कारण है? और अगर इतने सारे लोग, लगभग 100,000 से ज्यादा ट्वीट्स अगर इसके हो रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कारण होगा कि इतनी ज्यादा प्रतिक्रियाएं सुधीर चौधरी को लेकर आ रही है इस समय। जी जी नीलू जी, वास्तव में जो गोदी मीडिया जैसा शब्द पैदा हुआ, तो ऐसे ही पत्रकारों के कारण ये शब्द प्रचलन में आया, जो अपने मालिकान से मिलकर के, सत्ता प्रतिष्ठान से मिलकर के, सत्ता के साथ एक केमिस्ट्री डेवलप करते हैं और विपक्ष के खिलाफ अपनी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, पत्रकारिता का दुरुपयोग करते हैं। तो ये स्थिति है, यही कारण है कि आज गोदी मीडिया के समांतर सोशल मीडिया खड़ी हुई है और सोशल मीडिया पर आम जनता खुले से अपनी बात कह रही है, रिएक्ट कर रही है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो। तो ये जो गुस्सा दिख रहा है, इस गुस्से को अब तक इनकार किया जाता रहा है, नकारा जाता रहा है, लेकिन ये गुस्सा, सोशल मीडिया का गुस्सा उस वक्त देखने को मिला था जब नरेंद्र मोदी जी के पहले शासनकाल में जब SC ST एक्ट को बदलने का प्रयास किया गया था और अदालती आदेश से बदल रहा था, लेकिन सरकार को मजबूर होना पड़ा उसमें संशोधन करने के लिए। ये सोशल मीडिया की ताकत, और जिस लाखों लोगों की ट्वीट की बात आप कर रही हैं, ट्रेंड होने की बात कर रहे हैं, उन लोगों की ताकत उस समय सामने आई थी। एक बार फिर वो ताकत दिखाने का समय है कि ऐसे समय पर जबकि पूरे आदिवासी समुदाय को एक अलग नजरिए से, जो समाज तोड़क है, ये देश तोड़क है, ऐसे में कोई देश एकजुट कैसे रह सकता है कि जहां पूरे के पूरे एक समुदाय को ही आप इस निगाह से देखें, मानो वो गुलाम हो, मानो वो जंगल में रहने वाले हो, मानो वो इंसान ही नहीं हो, उनके लिए है दृष्टि, उनके लिए दूसरा नजरिया, वो आम नागरिक का अधिकार नहीं रखते, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, वो अच्छी गाड़ियों में नहीं चल सकते, वो BMW कार उनके पास कहां से आ जाएगी, उनके पास 36,00,000 रुपए कहां से आ जाएंगे, वो जेल में रहे तो उनको दिक्कत होगी क्योंकि ये आदिवासी रह नहीं गए थे। ये जो सोच है प्रेम जी, आपको लगता है कि आज सुधीर चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और पूरी बीजेपी के लिए, समूची बीजेपी के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया इस तरीके का बयान बोलकर? क्योंकि एक ऐसी पार्टी जो हमेशा आदिवासियों को रीच आउट करने की कोशिश करती है, सोशल इंजीनियरिंग की बात करती है, लास्ट माइल की बात करती है कि देखिए जो बिल्कुल लाइन में जो अंत में खड़ा हुआ आदमी है हम उस तक पहुंचते हैं। अभी कल भी आप देखिए निर्मला सीतारमण की बजट में तमाम इसी तरीके की क्या व्याख्यान किया गया था। तो क्या अब आज प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी क्या आदिवासियों को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए क्योंकि इस तरीके का अभद्र कॉमेंट सुधीर चौधरी ने किया है? देखिए, जो अतीत है बीते कुछ समय से, चाहे कोरोना काल में इनकी भूमिका देख लीजिए,
एक समुदाय के खिलाफ लगातार बोलना, झूठ फैलाना, और अदालत की टिप्पणियां भी आ चुकी हैं कि ये लोग कैसे झूठ फैलाते थे। इवन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी अपने तरीके से इनको आगाह किया कि आप गलत ना चलाइए, गलत खबर ना चलाइए। सारे तथ्यात्मक सबूत तो इनको बताते हैं कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, लेकिन तब भी नरेंद्र मोदी जी जब पत्रकारों को बुलाते हैं, जब मिलते हैं, तो उनके साथ ये ऐसे पत्रकार सेल्फी खींचा करके उसका शोकेस करते हैं और उसको सम्मानित भाव से दिखाते हैं। तो ये जो संपर्क है, संबंध है, ये संबंध इनके बीच बहुत मजबूत संबंध है। ये दिखावे के लिए भी क्या नरेंद्र मोदी जी इसका खंडन करेंगे, इसकी निंदा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। हमें नहीं लगता कि इससे वो सरोकार रखेंगे, इन पर वो मौन ही रह जाएंगे, कुछ बोलने वाले नहीं है। हाँ, विरोध अगर इतना, प्रतिरोध अगर इतना बड़ा हो कि सत्ता को झुकना पड़े, नौकरी से हेमंत सुधीर चौधरी को निकालने के लिए विवश किया जाए, इनको कानून का रास्ता लेकर के इनको जेल में डालने की व्यवस्था की जाए, SC ST एक्ट के तहत इनको ग्रिल किया जाए, ये जनता की ताकत से ही हो सकता है, सत्ता ये काम नहीं कर देती। अब अंत में दीपक आपसे पूछेंगे कि दो चीजें हैं, या तो सुधीर चौधरी को गिरफ्तार किया जाए, या फिर सुधीर चौधरी को यह एहसास हो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, वो माफी मांग ले। क्लोजर किससे मिलेगा, गिरफ्तारी से, या फिर अगर सुधीर चौधरी माफी मांगते हैं? आज अगर आदिवासियों की भारी संख्या में जो आदिवासी हैं, जो आज कह रहे हैं कि अगर ये अरेस्ट नहीं हुए तो हम सड़क पर आएंगे, हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, देशव्यापी आंदोलन की भी बात हो रही है, तो आज आदिवासियों की भावनाओं को क्लोजर कैसे मिलेगा? देखिए, आदिवासियों की भावनाओं को नीलू क्लोजर मिलने की बात नहीं है, एक अपराधी है। मुझे लगता है कि अगर ये इस चीज को सही समय पे नहीं रोका गया तो ये बढ़ती जाती है प्रवृत्ति, और लोग जैसे बहुत साल पहले जो है हम लोग, हमारे समाज में औरतों के बारे में कुछ भी कह दिया जाता था, या LGBTQ कम्युनिटी के बारे में, या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में कुछ भी कह दिया जाता था, या यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर ब्लैक के बारे में कुछ भी बोल दिया जाता था, लेकिन जब लगातार बोलने वालों को टोका गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, उनके खिलाफ आंदोलन हुए, तब जाके उन बॉडी शेमिंग, क्या है बॉडी शेमिंग, आज जाके इशू बन रहा है। इसके पहले तो हमारे यहाँ होता रहता है, हमारे यहाँ डिसेबिलिटी को किस तरीके से कहा जाता है, कौन अंधा है, कौन बहरा है, कौन ये। तो सुधीर चौधरी लोग जब किसी की पहचान को लेकर अभद्र बात करते हैं, इनकी अपनी सामंती मानसिकता है, तो उसको गिरफ्तारी हो या वो माफी मांगे, मुद्दा ये है कि लोगों के बीच में जाना चाहिए कि ये कोई गलत चीज है, क्योंकि जनता या समाज अपने आप में नहीं बदलता, और अगर नहीं हुआ तो ये बेलगाम होते जाते हैं। तो एक तो ये बात है कि लोग अज्ञानता में करते हैं तो उनके बाद FIR हो, विरोध हो, इस तरीके से हो तो संभलते हैं, पर ये लोग तो सिर्फ अज्ञानता की वजह से नहीं कर रहे हैं, ये एक गुरूर से भरे हैं, ये एक सामंती गुरूर है जिसको सत्ता का संरक्षण है, इसलिए इनके साथ मामूली चीजें नहीं होनी चाहिए, इनको कायदे से सजा मिलनी चाहिए, इनके पास दबाव पड़ना चाहिए, इनकी पत्रकारिता पे सवाल उठने चाहिए, और ये दबाव जनता सरकार पे भी आना चाहिए कि ऐसे लोग सरकार की इमेज पे आना चाहिए कि जो आपकी तारीफ कर रहा है वो अगर इस देश के मूल निवासियों के साथ इतना अभद्र बातें करता है तो इसका मतलब है आपकी नीयत पे खोट है। जब तक सरकारों पर इसका असर नहीं आएगा कि हम किन लोगों के साथ खड़े हैं, किन के साथ हम पिक्चर्स में आते हैं, होता है आप जो है जिस तरीके से हमारे यहाँ रेपिस्ट को सेलिब्रेट किया गया, उनको माला पहनाया गया, जिस तरीके से कठुआ के अंदर जब आसिफा का रेप हुआ था उसको उठा के उन लोगों के विजय जुलूस निकाले गए, ये पूरी घटनाएं मनोबल या बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, तो ऐसे में जरूरी होता है कि जनता की तरफ से बड़े प्रोटेस्ट हों, बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाएं, दबाव बने, माफी मांगने पे मजबूर किया जाए, और माफी मांगने से केस खत्म नहीं होता, क्योंकि केस तो अपराध है, आपको कोर्ट के अंदर जाना ही चाहिए, ये थोड़ी होता कि कोई, ये फ्यूडल एरा नहीं चल रहा है कि हमने बोला, हमने कत्ल किया फिर माफी मांग ली, पंचायत ने कहा जाओ अच्छा माफ कर दिया, ये तो पंचायती फैसले होते हैं, ये तो ये कानून का राज थोड़ी हुआ, आपने कानून तोड़ा है, ऐसा थोड़ी आपने दहेज में किसी को जलाया उसके बाद माफी मांग ली, ये थोड़ी होता है, आपने कानून तोड़ा, आपके खिलाफ FIR हुई है, आपके खिलाफ पुख्ता सबूत है तो आपको सजा मिलनी चाहिए, ये कानून का राज होता है, तो वो एक अलग तरीके से चलेगा। और जनमानस में ये माहौल पैदा करना कि ऐसी टिप्पणियां समाज में गैर बराबरी की बातें पैदा करना, समाज में वंचित वर्ग को अपमानजनक भाषा से बोलना एक अपराध है, उससे जनता के अंदर समझ पैदा होती है,
तो पब्लिक में भी, पब्लिक डोमेन में भी जाना चाहिए, कानूनी कार्यवाही भी होनी चाहिए और सत्ता पे भी सवाल उठाना चाहिए कि आपके समर्थक पत्रकार, ये समर्थक पत्रकार कहे जाते हैं, अगर ऐसे हैं तो आपका आदिवासियों के बारे में क्या रुझान है क्लियर होता है। तो ये तीन तरफा चीजें चलनी चाहिए जी। हाँ, मैं अंत में एक टिप्पणी प्रेम जी से करना लेना चाह रही थी कि प्रेम जी, आज सुधीर चौधरी ने जिस तरीके का अभद्र बयान, जिस तरीके का प्रोग्राम किया है और जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है, आज पूरे मीडिया, मैं समूचे मीडिया की बात कर रही हूँ, केवल गोदी मीडिया ही नहीं, सारे मीडिया के लिए आज एक क्या बड़ा लर्निंग लेसन इससे निकलता है। वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है, आज मीडिया के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? नीलू जी, मीडिया को इमीडिएट एक सुर में इस घटना की निंदा करनी चाहिए, सुधीर चौधरी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए और देश में ये मैसेज देना चाहिए कि सुधीर चौधरी मीडिया नहीं है, और इंडिया टुडे ग्रुप पर दबाव बनाना चाहिए कि इन पर एक्शन लीजिए, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, कानून की जिम्मेदारी अलग है। सही कह रहे हैं कबीर जी की केस खत्म नहीं किए जा सकते, वो कानूनी तरीके से होना चाहिए जो एक्शन होना चाहिए, लेकिन और सत्ता की भी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहले मीडिया को सामने आना चाहिए और ये इस इनके खिलाफ में एक प्रस्ताव पारित करके कम से कम आदिवासी समाज के प्रति एक सहानुभूति, एक सॉलिडारिटी दिखाने का वक्त है पत्रकारों के लिए। जी, चलिए अब देखना होगा। हालांकि मुझे लग रहा है नीलू, मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि प्रदेश की जो विधानसभाएं चल रही हैं उनके अंदर भी और लोकसभाओं में भी का भी ये मुद्दा है, और यूपी में जैसे कल से शुरू हो रहा है सेशन, यहाँ की विपक्ष को भी उठाना चाहिए ये शुरुआत है, अगर नहीं टोका गया ऐसे पत्रकारों को तो दिक्कत होगी। तो ये राजनैतिक मसला भी है, ये जनता का भी मसला है और पत्रकारों की तरफ से भी आवाज उठनी चाहिए, जो सोसाइटीज बनी है पत्रकारों की, जो यूनियन है, उनको भी इसे संज्ञान में लेना चाहिए, उनकी जवाबदेही सिर्फ पत्रकारों को बचाने की नहीं है। नहीं नहीं, आप ये देख लीजिए कि एक इस तरीके की एक टिप्पणी सुधीर चौधरी ने की है जिससे कि कितना सारी चीजें अस्त-व्यस्त हो गई हैं, मीडिया से सवाल किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, दूसरी तरफ आदिवासियों की जो भावनाएं हैं उनको कितना ठोस रहता है इस पॉलिटिक्स की अभद्र टिप्पणी से। अब देखना ये होगा कि इंडिया टुडे के मालिक के अरुण जेटली क्या ये सुधीर चौधरी को बुलाकर कुछ उनको नसीहत देते हैं, क्या सुधीर चौधरी माफी मांगेंगे? अभी तक तो मैंने उनका कोई ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन नॉर्मली वो ज्यादातर होता है कि ट्वीट कर देते हैं, लेकिन मैं देख रही थी अभी तक फिलहाल उनका कोई ट्वीट नहीं आया, थोड़ी देर बाद अगर कुछ आ जाए तो पता नहीं। तो एक मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है, एंकर्स के लिए एक लर्निंग लेसन है कि इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करने के बाद इसका क्या असर हो सकता है, इस पर थोड़ा सा सोचना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी, प्रेम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आप बने रहिएगा अजीत अंजुम पर मेरे साथ। थैंक यू सो मच।